सो ही ट्विन टेक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। एंड फ्रेंड्स, टूडे वी विल मेक डी आई वाई आर्टिफिशियल ग्रास। एंड ऑल्सो डोंट स्किप टू डेज वीडियो बिकॉज टूडे आई विल रिवील वन ऑफ माई सीक्रेट। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल ग्रास बनाने के लिए सबसे पहले हमको ले लेना है A4 साइज कलर शीट। एंड फ्रेंड्स, इस शीट को हम वाटरप्रूफ शीट में फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए सिंपली से मैं यूज़ कर रही हूँ टेप। एंड इस टेप से जस्ट हमको यहाँ पर पूरे शीट को कवर कर देना है। सो फ्रेंड्स, देखिए फ्रंट साइड जो है वो पूरी तरीके से टेप से कवर हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, अब देखिए बैक साइड भी हमें जैसे से टर्न करना है एंड बैक साइड भी सेम उसी तरीके से टेप लगा देना है। तो ये फुल शीट टेप से कवर हो जाएगी, फ्रंट भी एंड बैक भी। देखिए आपको एजेस भी पूरा सील करना है टेप से। देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों ही टेप से सील हो चुका है। एंड अब मैं इसकी एजेस को ट्रिम कर देती हूँ। और ट्रिम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रेस माई क्राफ्ट का पेपर ट्रिमर। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके सारे जो एजेस हैं हम ट्रिम कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए एक सिंपल सी शीट को हमने कैसे शाइनी, ग्लॉसी एंड सबसे बड़ी बात वाटरप्रूफ शीट में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए चेक करते हैं इस पर कुछ पानी डाल के कि इसमें कुछ होता है, ख़राब होती है कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ एंड इसे स्प्रेड करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस शीट को कुछ भी नहीं हुआ है, हमने जो वाटर था वो भी क्लीन कर दिया एंड यानी ये हमारी वाटरप्रूफ शीट बन चुकी है। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको पहले अपना सीक्रेट बता देती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आज अपना सीक्रेट रिवील करूँगी। सो फ्रेंड्स, वो है कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, यार आप इतनी अच्छी अच्छी आइडियाज़ कैसे लेके आते हो और इतना हार्ड हार्ड चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो। सो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, ये जो रिज़ल्ट है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो मैं पहले दिया करती थी। सो फ्रेंड्स, वो एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा कॉस्टली होता है, अराउंड 1200 या 1400 का कुछ होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पास एक बिग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फ्रेंड्स आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। बिकॉज आपको मैं बता दूँ, अन अकेडमी पर अल्टीमेट एप्टीट्यूड चैलेंज आ रहा है जो कि है 20 जून को, और आपको इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी फीस नहीं भरना। एंड अगर आप इसमें जीतते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइजेज मिल सकती है, मेगा प्राइजेज है, जैसे कि आईफोन वगैरह बहुत कुछ है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इनरोल करवाते हो तो डेली 7 लक्की इनरोलर्स को अन अकेडमी की तरफ से गुड्डी बैग्स दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, आज ही जाके इनरोल करवाओ। एंड इनरोलमेंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप उस लिंक के थ्रू इनरोलमेंट करवा सकते हो। एंड फ्रेंड्स, फ्री में इनरोलमेंट करवाने के लिए मेरा कोड ज़रूर से यूज़ करना, मेरा कोड है ट्विन टैग। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, कौन कौन इस एप्टीट्यूड टेस्ट में इनरोलमेंट करवाएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई ये अपॉर्चुनिटी मिस करेगा, बिकॉज ये आपके बहुत काम की चीज़ है। तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन इनरोलमेंट करवाएगा। एंड आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी जो हमारा वाटरप्रूफ पेपर था, अब हमको इस कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। एंड ये है 5 cm का हाफ में, एंड जब आप इसे ओपन करोगे ये डबल फोल्डेड है, तो ये अराउंड 10 cm की इसकी ब्रेथ है। तो हम 10 cm लेंगे, यानी 5 cm जो हैगा फ्रंट साइड। एंड जब हमारी ग्रास एकदम रेडी हो जाएगी तो हम इसे ट्रिम करके 3 cm तक लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेना है पेपर। तो चलिए मैं पूरा पेपर इस तरीके से कट कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आपको कुछ इस तरीके से ऐसे स्मॉल पैचेस बनाएंगे हम ग्रास के। तो इसका हाफ हाफ हम कर लेते हैं। एंड देखिए कुछ इस तरीके से आपको अपोजिट साइड फोल्ड करना है एंड जस्ट इस तरीके से बना देना है। देखिए आपको, तो देखिए ऑलरेडी इतना सारा मैंने बना के रखी हूँ। तो चलिए अब बहुत सारा, एंड अब आपको डार्क ग्रीन कलर का भी थोड़ा बना लेना है ताकि जो अच्छा इफेक्ट, रियलिस्टिक इफेक्ट दे। एंड अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ईवा फोम शीट है, जो कि प्लेन फोम होता है। तो देखिए ये भी वॉशेबल होता है एंड ये हमारी वाटरप्रूफ शीट है, तो ये हमारी ग्रास जो रहेगी वो वॉशेबल रहेगी। सो फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरीके से हम दोनों कलर की शीट को मिक्स कर देंगे एंड फिर एक स्मॉल ग्रास का पैच बनाएंगे एंड फिर उसे स्टिक करेंगे।
देखिए दो कलर को मैंने मिक्स कर दी हूँ, ये हमारा एक स्मॉल सा पैच बन गया। देखिए इसे अब मैं यहाँ पर ऐसे स्टिक कर दूँगी। तो इसको स्टिक करने के लिए आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर वेट्रा एज यूजुअल यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप एक ड्रॉप ही डालोगे कि एकदम अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये एक पैच स्टिक करी हूँ, ऐसे आपको सारे ही पैचेस स्टिक करना है। तो चलिए फटाफट से सारे पैचेस को हम यहाँ पर स्टिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे ही जो ग्रास के पैचेस थे उसे स्टिक कर दी हूँ, एंड हमारी ये ग्रास देखिए एकदम रेडी है। लेकिन अभी इसमें कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, तो हम इसे ट्रिम करेंगे। तो चलिए मैं इसे अच्छे से एकदम शेप में ट्रिम कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए कितनी रियल एकदम रियलिस्टिक ग्रास लग रही है, एंड आपको बहुत ही मतलब कम रेट में ये बन जाएगी, एंड इजीली आप बना सकते हो। DIY प्रोजेक्ट है, एंड ग्रास आपको पता है आर्टिफिशियल ग्रास क्राफ्ट में कितनी यूज़ होती है। तो देखिए मैंने इस पर ये प्यारी सी डक लैम्प रख दी हूँ, एंड ये कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रियल इफेक्ट दे रहा है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, एंड बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आर्टिफिशियल ग्रास, और मैं ढूंढ रही थी बहुत ही ईजी वे, तो फाइनली मुझे ये आइडिया आ गई। सो फ्रेंड्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड फ्रेंड्स मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि आप अनअकैडमी के अल्टीमेट एप्टीट्यूड चैलेंज में ज़रूर से पार्टिसिपेट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड फ्री इनरोलमेंट के लिए आप मेरा कोड ज़रूर से यूज़ करना, मेरा कोड है ट्विन टैग। तो चलिए फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, गुड बाय।